अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हमारा न्यू चैप्टर है। सबसे पहले समझते हैं कि अंडरराइटिंग का क्या मतलब होता है। अंडरराइटिंग का मतलब है, मैं वैसे बता देता हूँ पहले बिना इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशन के, कि जब कंपनी शेयर्स डिबेंचर्स इशू करती है तो उनको कई बार ऐसा होता है कि हमें कम से कम इतने शेयर्स इशू हो जाए, तो वो ब्रोकर के थ्रू भी सेल कराते हैं, डायरेक्टली भी अपने शेयर्स को सेल कराते हैं। लेकिन अगर कुछ शेयर्स अंडरराइट हो जाए तो अंडरराइटिंग का मतलब ये गारंटीड है कि वो शेयर इशू होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर वो पब्लिक ने परचेज ही नहीं किए तो अंडरराइटर खुद खरीदेंगे। ब्रोकरशिप में क्या होता है, एज ए ब्रोकर अगर मैंने आपसे कहा कि आप मेरी कंपनी के शेयर सेल कराइए, अगर आपने नहीं करवाए तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको ब्रोकरेज उतनी मिलेगी जितने आपने शेयर सेल करा दिए। लेकिन अगर आपने अंडरराइटिंग करी है तो आपको शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। सपोज मैंने आपसे कहा आप 10,000 शेयर्स मेरे मेरी कंपनी के सेल कराएंगे, 10,000। अगर आपने 8,000 शेयर सेल कराए तो बाकी के 2,000 आपको खुद खरीदने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 10,000 अंडरराइटिंग होते ही मेरी एक तरीके से गारंटी हो गई कि 10,000 शेयर इशू हो गए। इसमें कुछ ज्यादा कमीशन दिया जाता है इन कंपेयर टू ब्रोकरेज, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है अंडरराइटर का। अंडरराइटर उसे कहते हैं जो हमारी कंपनी के शेयर को सेल कराता है। व्हेन शेयर्स और डिबेंचर आर इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट वांट्स दैट इट इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो कंपनी चाहती है कि उनके शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए। इन केस द कंपनी फेल्स टू गेट इवन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑन योर इशू, देन इट वुड नॉट हैव द राइट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। इन सच ए केस इट हैज टू रिफंड द एप्लीकेशन ऑफ देयर, जो भी एप्लीकेशन मनी इन्हें मिली होती है वो वापस करनी पड़ती है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इनको नहीं मिलता है। इफ द कंपनी इशू द शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फेल्स टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट वुड नॉट बी ग्रांटेड द सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। तो नई कंपनी के केस में तो वो बिजनेस ही स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी इज यूजुअली रिसोर्ट टू अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग में बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू बाय द कंपनी विद सर्टेन पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द अंडरराइटर्स, हु अंडरटेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव गारंटी दैट द शेयर्स और डिबेंचर अंडर रिटन बाय देम विल बी सब्सक्राइब फॉर इन फुल बाय द पब्लिक, एंड इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन दे विल टेक द शॉर्ट फॉल। तो या तो वो शेयर पब्लिक पूरे खरीदेगी, अगर नहीं खरीदे हैं तो जितने भी कम खरीदे हैं वो अंडर राइटर खुद खरीदेंगे। इन कंसिडरेशन ऑफ अंडर राइटिंग सच अंडरटेकिंग सच रेस्पॉन्सिबिलिटी द रेमुनरेशन विच द अंडर राइटर्स गेट फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड द अंडर राइटिंग कमीशन। तो जो बदले में इन्हें पैसा मिलता है उसे अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, कंपनी जो अंडर राइटिंग कमीशन है ये कैश में भी दे सकती है या शेयर्स के फॉर्म में भी दे सकती है। अंडर राइटिंग कमीशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द कंपनी विद द अंडर राइटर्स एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सच कमीशन इज पेड ऑन ए स्पेसिफिक रेट ऑन द इशू प्राइस और ऑन द फेस वैल्यू ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ प्रोवाइड। तो फेस वैल्यू पर या इश्यू प्राइस पर जो भी इनका एग्रीमेंट है उसके हिसाब से कमीशन को डिसाइड किया जाता है। ऑफ होल ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर अंडर रिटर्न वेदर और नॉट द अंडरराइटर्स आर कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी शेयर्स और डिबेंचर्स। तो अंडरराइटर को शेयर या डिबेंचर खरीदने पड़े या ना खरीदने पड़े, उन्हें अंडरराइटिंग कमीशन तो पूरे शेयर्स पर मिलेगा ही मिलेगा। इन मे बी पेड इन कैश शेयर्स और डिबेंचर पार्टली इन फॉर्म वन फॉर्म एंड पार्टली इन अदर फॉर्म। कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, क्या कंडीशन है अंडरराइटिंग कमीशन देने के लिए। ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स, आर्टिकल के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए। मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन, जो मैक्सिमम रेट है वो 5% से ज्यादा ना हो इन केस ऑफ शेयर्स और 2.5% इन केस ऑफ डिबेंचर्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और द अमाउंट ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। डिस्क्लोजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेट, इन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो भी रेट है, ये प्रोस्पेक्टस में इन्हें बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग इतना कमीशन दे रहे हैं। और सिक्योरिटीज कितनी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितनी अंडर रिटन है ये भी हमें बताना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में कि भाई कितना शेयर्स या डिबेंचर अंडर रिटन है। डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ कमीशन मे बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, वो भी इन्हें बताना पड़ेगा। कमीशन टू एनी पर्सन ऑन शेयर्स और डिबेंचर विच आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर इशू नहीं किए गए हैं तो क्या उसके ऊपर कमीशन दिया जा सकता है। तो
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76(4)A नो कमीशन शैल बी पेड टू एनी पर्सन और शेयर्स और डिबेंचर विच आर नॉट ऑफर्ड फॉर द टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन. तो पब्लिक को शेयर इशू नहीं किए गए तो फिर कमीशन किस बात का. एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू दिस ए कंपनी में पे कमीशन टू द अंडरराइटर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑलरेडी सब्सक्राइब इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड. तो दो कंडीशन फुलफिल होने पर पहले जो ऑलरेडी शेयर या डिबेंचर इशू किए जा चुके हैं उनके ऊपर कमीशन दिया जा सकता है. Where a person has subscribed or agreed to subscribe for any shares or in or debenture of the company and before the issue of prospectus or a statement in lieu therefore any other person or person has or have subscribed for any of the all or shares. ये लिखा है where a person has subscribed or agreed to subscribe for any shares. तो उसने prospectus के issue करने से पहले ही कह दिया कि मैं shares ले लूँगा. That fact together with the aggregate amount of commission payable under this section in respect of subscription is disclosed in prospectus or other statement. मतलब कोई prospectus बनने से पहले ही कहता मैं share खरीद लूंगा और उसको कितना commission दिया जाएगा ये prospectus में पहले से बताया गया है तो उसको हम commission दे सकते हैं. Brokerage क्या होता है. Brokerage का मतलब है कि जो share sale होंगे उस पर broker को commission दिया जाएगा. Brokerage दी जाएगी लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि अगर वो सेल नहीं करा पाए तो उन्हें शेयर्स खरीदने ऐसा कुछ नहीं है. और दूसरी बात यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं होता कि इतने शेयर्स या डिबेंचर ब्रोकर ने लिए क्योंकि वो तो जितने भी सेल कराएगा करा सकता है ब्रोकरेज मिल जाएगा. ब्रोकरेज इज अ सम पेड टू पर्सन बाय द कंपनी फॉर प्लेसिंग द शेयर्स दैट इज फॉर द फाइंडिंग द पर्सन हु विल टेक शेयर्स. Brokerage is paid to the brokers in consideration of their procuring subscription for shares or debenture issued to the public. जैसे बैंक है, हमने बैंक से बात करी तो अब बैंक क्या करता है अपने कस्टमर को जो भी बैंक के ब्रांच में आ रहा है उन सबसे कहता है कि ये कंपनी है इनके शेयर से आप खरीद सकते हो. तो अगर कंपनी के शेयर्स और बैंक के थ्रू खरीदेंगे तो उन्हें बैंक को ब्रोकरेज मिल जाएगी. ब्रोकर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द ब्रोकरेज एट ए स्पेसिफिक रेट ऑन द शेयर्स ऑफ डिबेंचर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक थ्रू देम बट दे आर अंडर नो ऑब्लिगेशन फॉर एनी शॉर्टफॉल इन द सब्सक्रिप्शन. तो अगर वो शेयर कम बिक पाते हैं तो इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है ऑब्लिगेशन नहीं है. सेक्शन 73 सब सेक्शन 3 एम्पावर्स द कंपनी टू पे लॉफुल ब्रोकरेज. लॉफुल ब्रोकरेज मीन्स रीजनेबल ब्रोकरेज पेबल टू पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ ब्रोकर एंड नॉट द पर्सन हु हैज हैड कैजुअली इंड्यूस्ड अदर्स टू सब्सक्राइब. तो मतलब कोई ब्रोकर एक ऐसा काम है बिजनेस है जिसके अंदर वो कायदे से ये काम करता है. ये नहीं कोई भी किसी को भी कहेगा आप शेयर खरीदो तो उसे ब्रोकरेज मिल जाएगी ऐसा नहीं है. डिस्टिंक्शन बिटवीन द ब्रोकरेज एंड द अंडरराइटिंग कमीशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ब्रोकरेज इज पेड टू ब्रोकर फॉर प्रोक्यूरिंग अदर पर्सन हु विल टेक शेयर्स और डिबेंचर. Where underwriter commission is paid to the underwriter for agreeing to take up whole or part of the debenture or shares which may not be subscribed by the public. If broker fails to place any share, he is not personally liable to take them, nor is he entitled to any brokerage. Na to brokerage milegi na share usse lena hai. Maan liya aapne kisi se baat kari aur usne ek bhi share sale nahi karaya, na usse brokerage milega na usse share khareedna hai. On the other hand, the underwriter is bound to take up the shares which have not been subscribed by the public. तो उसे कमीशन तो मिलेगा मिलेगा लेकिन उसको शेयर्स भी खरीदने पड़ेंगे. टर्म्स यूज्ड इन अंडरराइटिंग क्या टर्म्स यूज होंगी. मार्क्ड एप्लीकेशन. अब क्या होता है कि बहुत सारे अंडरराइटर हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कोई एक ही अंडरराइटर हो. ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा अंडरराइटर है. मान लिया एक कंपनी ने शेयर इशू करा और ए बी सी तीन अंडरराइटर है. अब तीनों अंडरराइटर शेयर्स को सेल करा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अंडरराइटर कौन से शेयर सेल करा रहा है. तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है नेम ऑफ अंडरराइटर का. तो उसके ऊपर नाम लिखा होता है कौन से अंडरराइटर के थ्रू ये एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास. तो जो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म दिए होते हैं जिस पर अंडरराइटर की स्टैम्प होती है या उसका नाम होता है उसे मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं. The application form bearing the stamp of the underwriter are terms and mark application. एक तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि application किसके through आई है. The benefit of mark application is given to the concerned underwriters in whose favor application has form has been marked. तो मान लिया मिस्टर ए की application form आए हैं तो
ए के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं तो ए के फेवर में जाएंगे कि भैया उसने सेल करा दिए ताकि उसकी लाइबिलिटी कम हो पाए। अब बचे हुए शेयर वो नहीं खरीदेगा ना क्योंकि उसने सेल करा दिए। अनमार्क एप्लीकेशन होती है, अनमार्क एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि ये किसी अंडरराइटर के थ्रू सेल नहीं हुए, डायरेक्टली सेल हुई है, या तो किसी शेयर ने डायरेक्टली खरीदे या कंपनी ने सेल करा दिए, तो अंडरराइटर के थ्रू सेल नहीं हुए। मतलब द एप्लीकेशन फॉर्म वी डू नॉट बियर द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर आर टर्म्स एज ए अनमार्क एप्लीकेशन फॉर्म। द बेनिफिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन इज गिवन फर्स्ट टू द कंपनी। इसका बेनिफिट तो कंपनी को ही मिलेगा, लेकिन अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि इसका बेनिफिट अंडरराइटर्स को भी मिल जाता है कभी कभी, वो अभी हम आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे। और यहाँ लिखा है कि अगर इसका बेनिफिट देना है तो हमें ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में देना होगा। ये क्या मतलब है ये भी अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सोल अंडरराइटिंग, सोल अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि एक ही अंडरराइटर है। व्हेन द इशू इज अंडरराइटिंग ओनली बाय वन अंडरराइटर तो इसे सोल अंडरराइटिंग बोलते हैं। तो इसमें जो मार्क और अनमार्क का कोई फायदा मतलब नहीं होता क्योंकि एक ही अंडरराइटर है और सारे के सारे शेयर्स उसी ने अंडरराइट किए। जॉइंट अंडरराइटिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा अंडरराइटर्स हैं जिन्होंने अंडरराइटिंग करा है तो उसे हम जॉइंट अंडरराइटिंग बोल देते हैं। जैसे ABCD चार लोग हैं, 2:1:1 के रेशो में इन्होंने मार्क करा है। इन सच ए केस बेनिफिट ऑफ अनमार्क अगेन ग्रोस लाइबिलिटी के रेशो में अनमार्क का बेनिफिट देना है, तो ये अभी हम क्वेश्चन में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इस किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, अब ये 10,000 शेयर्स सब ने, तीन अंडरराइटर हैं ABC और ए के ने कहा है मैं 5,000 सेल कराऊंगा, बी ने कहा 3,000 सेल कराऊंगा और सी ने कहा 2,000 सेल कराऊंगा, तो 100% अंडरराइटिंग हो गई। मतलब कोई भी शेयर ऐसे नहीं है जो कंपनी ने सोचा हो कि हम सेल कराएंगे, सारे के सारे ABC के थ्रू सेल हो रहे हैं। अब जो सेल हुए हैं उनमें मालिया ए मार्क एप्लीकेशन है, मार्क मतलब जो ABC ने करवाई है, तो 2000 ए ने सेल करा दिया, मालिया 1000 बी ने और 500 सी ने, ये इन्होंने सेल करा दिए मार्क एप्लीकेशन, इनके थ्रू एप्लीकेशन आई। अब इसका मतलब 3000 शेयर्स ए के अभी स्टिल पेंडिंग है उसके अकाउंट में जो उसने सेल कराने, 2000 बी ने सेल कराने और 1500 सी ने सेल करा रहे हैं। अगर हम टोटल देखें तो टोटल आता है ये 6500। तो 6500 शेयर्स अभी भी ऐसे हैं जो इन्होंने सेल नहीं कराए। हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, ये 100% अंडरराइटिंग है। 10,000 के 10,000 शेयर्स अंडरराइट है जिसमें से 3500, ये मैं इमेजिनरी फिगर लेकर बता रहा हूँ, 3500 शेयर्स मार्क है मतलब सेल हो गए हैं, 6500 शेयर्स बचे। अब सपोज केवल यही एप्लीकेशन है तो क्या होगा, ए 3000 शेयर खुद खरीदेगा, बी 2000 और सी 1500 खरीदेगा। लेकिन सपोज यहां पर हम बात कर दें कि 2000 शेयर्स अनमार्क है, अनमार्क का मतलब या तो पब्लिक ने खुद खरीद ली या कंपनी ने सेल करा दिए। अब क्या हुआ, कंपनी ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं सोचा था कि वो सेल कराएंगे, सब ABC के लिए ही था, 100% अंडरराइटिंग थी। अब अगर 2000 शेयर्स कंपनी ने सेल कराए हैं तो इनका बेनिफिट भी ABC को ही मिलेगा, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते देखो एप्लीकेशन फॉर्म कितने आए, 3500 मार्क, 2000 अनमार्क, तो टोटल मिलाकर 5500 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, तो अब 4500 शेयर ही तो और इशू किए जा सकते हैं, ना कि 6500। तो इसका मतलब सेल तो कराए कंपनी ने लेकिन फायदा हो गया ABC का, क्योंकि इनका काम होना था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 2000 अनमार्क है इसका फायदा ABC को किस रेशो में मिलेगा। तो हर जगह लिखा है ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में, ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब ये है ग्रॉस लाइबिलिटी 532। तो जो 532 है ये रेशियो है 532, ये ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो है। तो 2000 का बेनिफिट हम इनको 532 के रेशियो में देंगे, हम कहेंगे 1600 और 400। अब 2000 शेयर्स ए खरीदेगा, 1400 बी खरीदेगा और 1100 सी खरीदेगा, इस हिसाब से अभी ने 4500 शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे। तो हर जगह इसलिए लिखा है कि जो बेनिफिट है अनमार्क का वो मिलेगा बेनिफिट किनको,
अंडरराइटर्स को इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, लेकिन ये तभी होगा जब 100% शेयर्स अंडरराइट हुए, है ना। तो अभी हम क्वेश्चंस में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। फुल अंडरराइटिंग का मतलब है कि 100% शेयर्स अंडरराइट हुए, जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए तो सारे के सारे शेयर्स अंडरराइट हुए एबीसीडी के थ्रू, तो ये फुल अंडरराइटिंग कहलाती है। अब आगे लिखा है प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है कैलकुलेशन में नेट और टोटल लायबिलिटी। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताया, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखते हैं, कैलकुलेट ग्रॉस लायबिलिटी, उनमें से माइनस करते हैं, क्रेडिट करते हैं जो मार्क एप्लीकेशन है, जो अभी अभी मैंने पहले मार्क माइनस किया, उसके बाद अनमार्क का भी इन्हें क्रेडिट मिलता है अगर अगर इनकेस कंपनी ने अपने लिए जो सोचा था उससे ज़्यादा सेल करा दिए तो उनका बेनिफिट भी इन्हें मिलेगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो एक टेबल बनाते हैं जो टेबल आपके सामने दिया हुआ है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और समझते हैं कि एक्चुअल में इसमें हमें करना क्या है। तो मंडे लिमिटेड है एक कंपनी है जिन्होंने इशू करना है 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, एबीसी ने अंडरराइट किए हैं 532 के रेशो में, 100% अंडर रिटर्न है। अनमार्क एप्लीकेशन 2000 है और मार्क एप्लीकेशन हमें बता रखी है कितनी है, तो हमें बताना नेट लायबिलिटी कितनी आएगी अंडरराइटर्स की। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी या अंडरराइटर्स लायबिलिटी, ऐसा हम कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं। सबसे पहले मुझे पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है और उसके बाद 3 अंडरराइटर हैं एबीसी, इनका कॉलम बनेगा और एन में एक टोटल का कॉलम बनेगा। पार्टिकुलर्स ए बी सी एन टोटल। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी क्या, इनकी ग्रॉस लायबिलिटी है। तो ए बी सी ने टोटल 40,000 शेयर्स अंडरराइट करें तो टोटल में 40,000 लिख दिया 532 के रेशो में, तो 532 के रेशो में मैं डिवाइड करता हूं इसको, 20,000, 12,000 और 8,000। तो यहां पर कंपनी ने कुछ नहीं सोचा अपने लिए कि वो खुद सेल कराएंगे, उन्होंने 100% शेयर्स को अंडरराइट कर दिए। इसमें जितने मार्क एप्लीकेशन है वो माइनस कर देते हैं। मार्क एप्लीकेशन का मतलब है कि कितने शेयर्स सेल करवाए हैं एबीसी ने, और ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा क्योंकि हम कभी भी ये नहीं पता लगा सकते पर्टिकुलर ए ने कितने शेयर सेल कराए हैं, बी ने कितने और सी ने कितने। तो टोटल है ये 16,500 और 8,300, 30,000 शेयर्स सेल हो गए हैं जो एबीसी ने सेल कराए। तो अगर हम ये माइनस करें तो ए के अभी 4,000 बचे हैं और बी के 12,000 माइनस 5,700 6,300 बचे, लेकिन सी ने अपने कोटे से 300 एक्स्ट्रा सेल करा दिए, टोटल 10,000 शेयर्स शॉर्टफॉल है। अगर हम देखें कि 4,000 ए को दे दें बी को 6,300, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे 10,300 शेयर्स हो जाएंगे। इसका मतलब सी ने जो एक्स्ट्रा सेल कराया है उसका बेनिफिट बचे हुए अंडरराइटर ए और बी को मिलेगा। और अनमार्क एप्लीकेशन का फायदा भी इन्हें मिलेगा, अनमार्क एप्लीकेशंस, क्योंकि अनमार्क 100% अंडरराइटिंग था, 100% शेयर्स अंडरराइटर्स के पास था,
और कंपनी के पास 0% सेल करना था। एक तरीके से आप पता क्या एज्यूम कर सकते हो कि अनमार्क एप्लीकेशन कंपनी के फेवर में देखा जाए तो कंपनी के हिसाब से वो मार्क है, कंपनी की मार्क है। मार्क एप्लीकेशन अंडरराइटर के लिए मार्किंग है क्योंकि उन्होंने सेल कराई है और अनमार्क कंपनी ने सेल कराई है, लेकिन कंपनी की लाइबिलिटी 0% थी क्योंकि 100% शेयर अंडरराइट थे। तो जितने भी कंपनी के थ्रू बिके अनमार्क एप्लीकेशन 2000 है, तो वो भी एक तरीके से नेगेटिव आ गया। मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। कंपनी है, इनकी लाइबिलिटी जीरो थी और कंपनी के 2000 शेयर कंपनी के थ्रू सेल हो गए, तो एक तरीके से 2000 एक्स्ट्रा कंपनी ने भी सेल करा दिए। इसका बेनिफिट भी बचे हुए पार्टनर्स को, अंडरराइटर्स को मिलेगा, और अंडरराइटर्स ए और बी को मिलेगा क्योंकि सी तो ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है। अगर आप सी में बांटेंगे फिर वो सी का हिस्सा ए बी में जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। कुल मिलाकर 300 का ये और 2000 वो, 2300 का बेनिफिट ए और बी को मिलेगा। तो यहां पर अनमार्क एप्लीकेशन माइनस होनी है, और अनमार्क एप्लीकेशन अगर मान लिया मैं सीधा अभी दो ए बी सी में बांट दूं, क्योंकि ग्रोस लाइबिलिटी के रेशो में अगर कुछ नहीं कहा तो ग्रोस लाइबिलिटी के रेशो में बढ़ता है, तो मैंने मान लिया बांट दिया 1000 और 600 एंड 400। ये बस दिखाने के लिए था आपको, कंपनी के लिए जो मैं बता रहा था। तो इनकी लाइबिलिटी 3000 बची और इनकी लाइबिलिटी 5700 और इसकी -700, टोटल मिलाकर 8000। तो ये तो तय है कि 8000 शेयर ही खरीदने हैं ए और बी को मिलाकर। अगर हम ए और बी का देखें तो अभी 8700 आ रहा है, वो 700 इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि सी का नेगेटिव है। तो इसे बोलते हैं सी सरप्लस, सी का सरप्लस एडजस्टेड विद ए एंड बी इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो। और इनका ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो आपस का क्या है, 5:3, तो इनको 5:3 के रेशो में डिवाइड कर देते। तो 700 को 5:3 में डिवाइड करते तो 437.5 आ रहा है। तो पॉइंट में तो हम शेयर लिख नहीं सकते, तो 438 लिख देते, और 262.5 है तो इसे 262 लिख देते। तो 700 इसमें प्लस हो गया और बाकी सब में माइनस हो गया, तो हमारे पास जो बचे हैं वो 2562 ए को लेने पड़ेंगे, 5438 बी को लेने पड़ेंगे। टोटल इस तरीके से 8000 शेयर्स हैं, ये हमारी नेट लाइबिलिटी है जो ए और बी को शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। इसको अगर मैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं पहले ही सी का नेगेटिव जो आया था वो अगर मैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो फाइनल आंसर फिर भी यही आता। तो इसलिए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपको जैसा लगे अच्छा आप वैसा कर सकते हो। अगर मैं ये 300 400 2000 है ना, 2000 को तीनों में डिवाइड नहीं करता सपोज, क्योंकि एक नेगेटिव आ रहा है, मैं ए और बी में डिवाइड करता तो 5:3 के रेशो में डिवाइड करता 2000 को, है ना, तो ये आता 1250 और 750। तो ये आ जाता मेरा 2750 और 6300 -750 5550, ये 300 नेगेटिव आता। अब मैं इस 300 नेगेटिव को 503 के रेशो में डिवाइड करता और 112, तो भी आप देख रहे तो यही आंसर आता मेरा। एक काम और कर सकता था मैं, तो भी यही आंसर आता कि सबसे पहले मैं जैसे ही सी का नेगेटिव आया तो मैं सबसे पहले सी के सरप्लस को डिवाइड करता आपस में,
जैसे ही ये सी का नेगेटिव आया तो सी का सरप्लस में यहाँ एडजस्ट करता, 5 और 3 के रेशियो में आपस में, तो वही आता हमारा 188 और 112, तो 4000 माइनस 188, 3812, 6300 माइनस 112, 6188, फिर मैं अनमार्क माइनस करता 2000, फाइव थ्री के रेशो में कितना आता, 1250 एंड 750, तो 3812 माइनस 1250, 2562 एंड 5438, वही आंसर आता। तो आंसर वही आएगा, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि आप पहले अनमार्क वगैरह सब सबके रेशो में बांट दो, फिर जितना भी नेगेटिव आया वो फाइनली एक ही बार आप बांट देना। तो इसलिए मैंने ये आपको करके दिखाया कि सबसे इजी और सबसे आसान रास्ता यही है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कंपनी है यहां पर, इन्होंने 50 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, सारे के सारे शेयर्स अंडरराइट किए एबीसी ने, और कितने किए ये भी बता रखा है। एप्लीकेशन 48-50 लाख में लिए, जिसमें से मार्क है वो बता रखा है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स अंडरराइट राइडर्स को कितने लेने पड़ेंगे वो पूछा है हमसे, मतलब लाइबिलिटी पूछा है अंडरराइटर की, कितनी फाइनल लाइबिलिटी आएगी। तो टेबल बना लेते हैं। एबीसी 3 अंडर राइटर्स है, एबीसी टोटल का कॉलम बनाना होगा हमें, कंपटीशन टेबल हेडिंग डाल दी मैंने, कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल, सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख, टोटल 50 लाख। लेस करेंगे मार्क एप्लीकेशंस, मार्क एप्लीकेशन है 12 लाख, 25 लाख, 8,50,000, तो टोटल हो गया ये 45,50,000। थ्री लैख नील, 1,50,000, 4,50,000, ऐसे भी चेक कर लेंगे टोटल सही आ रहा है या नहीं, और ऐसे भी। अब देखो बी नील आ गया, अब यहां पर नेगेटिव तो है नहीं बी ना, पॉजिटिव है, तो अब बी नील आ गया तो इसमें कुछ भी छेड़ाखानी करना ठीक नहीं है। हम कोई भी मा अब इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट बी में करेंगे ही नहीं, वो ऑलरेडी नील है। इसमें से लेस करते हैं अनमार्क, अनमार्क कितनी है देखो, हमें जो टोटल एप्लीकेशन आई है वो आई है 48,50,000, जिसमें से मार्क है 45,50,000, बाकी अनमार्क हो जाएंगे। 48,50,000 माइनस 45,50,000, 3 लाख, तो 3 लाख एप्लीकेशन हमारी अनमार्क हो जाएंगे। अब अनमार्क में ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में, जो है इनका 3:2 आपस का, 15 लाख एंड 10 लाख,
थ्री लैख को 3 2 में डिवाइड कर देता हूँ, शॉर्टकट हो जाएगा, वरना मेरा बी में बांटूंगा फिर वो नेगेटिव आएगा, फिर उसको मैं वापस से ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। मेरा आ गया आंसर, बस फाइनल आंसर। नेट लाइबिलिटी ए को 120,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे और सी को 30,000, टोटल 150,000। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे अंडरराइटर्स 3 हैं, ए बी सी एंड टोटल। सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी, इनकी कैपिटल है 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस जो 20,000 शेयर्स में डिवाइडेड है और 50, 30 और 20 मतलब 100% शेयर्स अंडर रिटर्न है, तो टोटल शेयर्स 20,000 है, तो 20,000 को 50, 30 और 20% में डिवाइड कर देते हैं। 50%, 30% एंड 20%, इसमें हमने डिवाइड कर दिया, इसमें से लेस करते हैं मार्क एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन लिखा है सबके लिए 4,000 मिलिए, तो हमारे पास सी का बैलेंस नील हो चुका है। तो हमेशा की तरह जैसे मैंने बताया सी में कुछ भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अनमार्क एप्लीकेशन 2,000 है, तो हम अनमार्क केवल हम ए और बी में डिवाइड करेंगे, इनकी ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में अगर कुछ भी नहीं कहा है तो जो है 10:6, इसका मतलब 5:3, तो ये हो जाएगा 1250 और 750, इनकी लाइबिलिटी आ जाएगी 4750, 1250, टोटल 6,000। थर्सडे लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और अंडरराइटिंग किसने किया, 6 अंडरराइटर है बता रखा है इनके नाम। एप्लीकेशन कितनी आई है, मार्क और किसके फेवर में कितनी आई है ये भी बता रखा है। तो कंप्यूटेशन टेबल, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड टोटल, सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी 6,000, 7,000, 2,000, 3,400, 1,600 एक बार इसका टोटल कर लेते हैं। ट्वेंटी थाउजेंड ही आ रहा है, 100% शेयर अंडरराइट कर रखे हैं, माइनस मार्क एप्लीकेशंस 5,000, 4,700, 1,300, 200, 400, 1,400। ध्यान से नाम देखिया करे, कई बार ये नाम इंटरचेंज करके दे देते हैं तो हमसे मिस्टेक ना हो जाए, ये ध्यान से देखना रहता है। तो जो टोटल आ गया वो हो गया 5,000, 4,700, 1,300, 200, 400 and 1,400, 13,000, 1,000, 2,300, 700, 2,800, 200 and 7,000। तो नेगेटिव किसी का भी अभी आंसर नहीं आया,
अब हमें बता रखा है, एक हिडन इन्फॉर्मेशन है कि एप्लीकेशन जो टोटल रिसीव्ड हुई है वो 17,000 है। इन 17,000 में से मार्क एप्लीकेशन अभी अभी हमने देखा 13,000 है, इसका था अनमार्क 4,000 हो जाएंगी, 17,000 माइनस 13,000। टोटल में मार्क हटा देंगे तो अनमार्क आ जाएंगे, तो लेस करते हैं अनमार्क। अब वाई को छोड़कर सबके लिए करना है तो एक नया रेशियो हमें निकालना पड़ेगा जिसमें टाइम वेस्ट होगा, तो अभी हम फॉर द सिंपलिसिटी सब में बांट देते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ना ही हमें कोई नया रेशियो निकालना पड़े। तो अनमार्क सब में बांट रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जेड भी केवल 200 है तो इसका भी नेगेटिव आएगा, तो बाद में नेगेटिव को बांटना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अनमार्क को मैं सब में बांट देता हूं उनके ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो। तो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो तो यही है इनका आपस का जो फर्स्ट हमने निकाला हुआ है, तो इस रेशो में मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1200, 1400, 400, 600, 80 और 320। इसका टोटल करके चेक कर लेते हैं सही किया है या नहीं। 1200, 1400, 400, 600, 80 एंड 320, टोटल 4,000 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब हम माइनस करते हैं तो देखिए ए का भी नेगेटिव आ गया है 200 और 900, 300, 2200, ये 80 नेगेटिव है, ये 120 नेगेटिव है, 3,000। तो अब इस क्वेश्चन में तीन अंडरराइटर ऐसे हैं जिनका नेगेटिव आ गया, सरप्लस आ गया, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए कोमा वाई कोमा जेड सरप्लस अमंग, किसमें डिवाइड कर रहे हैं, बी कोमा सी एंड एक्स इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो। तो जिन जिन का पॉजिटिव आ रहा है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बी सी और एक्स में। अब बी सी और एक्स का आपस का रेशो देखो ग्रॉस लाइबिलिटी का, तो 7,000, 2,000 और 3,000 है, तो 7:3 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। इनका टोटल कितना आ गया, 200 प्लस 80 प्लस 120, तो 400 हैं जो डिवाइड करने हैं 7:3 के रेशो में, तो इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 233, 67 और 100। नील 900 माइनस 233, 667 और 233, 2100 नील एंड नील, टोटल 3,000। चेक भी कर लेते हैं टोटल 667, 233, 2100, 3,000 टोटल आ गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सब फुल अंडरराइटिंग के थे, अब हम पार्शियल अंडरराइटिंग की बात करते हैं। पार्शियल अंडरराइटिंग का मतलब है जितने शेयर्स इश्यू किए हैं कंपनी ने वो सारे के सारे अंडरराइट नहीं किए, कुछ शेयर्स डिवेंचर कंपनी ने अपने लिए भी रख लिए। व्हेन ओनली ए पार्ट ऑफ इशू इज अंडर रिटन सच अंडर राइटिंग इज टर्म्स एट पार्शियल अंडर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक इशू 1 लाख शेयर का करेंगे जिसमें से 90,000 इन्होंने अंडर राइट किए, इसका मतलब 10,000 कंपनी खुद ही सेल करने के लिए सोच रही है, या ये कह सकते हैं कंपनी ने खुद अपने लिए अंडरराइट कर लिया। इन सच ए केस द बेनिफिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन विल फर्स्ट बी गिवन टू कंपनी। जो अनमार्क है वो कंपनी ने सेल कराए और कंपनी के लिए खुद 10,000 है, तो बेनिफिट अंडरराइटर्स को तभी जाएगा जब वो 10,000 से ज्यादा शेयर्स
अनमार्क होंगे तभी फायदा जाएगा. इन केस देयर इज सरप्लस, सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी. हमेशा की तरह एक नोट है, इन केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग द क्रेडिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट गिवन टू कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटीज नॉट रिटन ऑफ अंडर रिटन एंड सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द. अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. यहाँ 60,000 शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने और अंडर राइट किए 25, 25, 30, तो केवल 80% शेयर्स ही अंडर राइट किए गए हैं. पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, तो टोटल जो अंडरराइट किए गए हैं वो ये है, ग्रॉस लायबिलिटी 60,000 का 25%, 15,000 और Z का है 30%, 18,000, टोटल 48,000. अब हम अलग से चाहें तो लिख ले सकते हैं अपने लिए कि कंपनी ने सोचा है 12,000 वो खुद सेल कराएंगे. ठीक है, अब लेस करते हैं मार्क एप्लीकेशन. मार्क एप्लीकेशन है 12,000 एक्स की, 14,000 वाई की, 15,000 जेड की, 41,000 एप्लीकेशन मार्क है. 3,000 एक्स को खरीदने पड़ेंगे, 1,000 वाई को, 3,000 जेड को, 7,000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे. अब देखें अनमार्क, तो अनमार्क एक तरीके से कंपनी ने सेल कराई है, तो टोटल एप्लीकेशन 50,000 मिली है. 50 में से 41,000 मार्क है, मार्क का मतलब अंडरराइटर ने सेल कराई है. बची हुई 9,000 अनमार्क है, अनमार्क का मतलब कंपनी ने सेल कराई है. तो कंपनी ने सोचा था 12,000 सेल, उन्होंने खुद 9,000 कराया, तो 3,000 तो उनका भी शॉर्टफॉल है. तो कोई बेनिफिट नहीं है जो एक्स वाई जेड को मिल जाएगा पिछले क्वेश्चंस की तरह. पहले क्वेश्चन में क्या होता था, ये जीरो होता था, तो 9,000 सेल कराया तो 9 का 9,000 ही नेगेटिव आ जाता था जो हम बांट देते थे हमेशा. लेकिन अब तो कंपनी का खुद भी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो बस यहीं तक आंसर आ जाएगा, यही है हमारी नेट लायबिलिटी. इतना ही क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व कि भैया 3,000 शेयर्स एक्स को लेने पड़ेंगे, 1,000 वाई को, 3,000 जेड को. बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म. एक और क्वेश्चन करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर लिखा है कि रजिस्टर्ड है ये 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल में, 10 रुपए का शेयर है, तो टोटल 1,00,000 शेयर हो गए. हाफ ऑफ द कंपनी इज ऑफर्ड, तो 50,000 शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, जिसमें से 80% अंडर रिटर्न है, तो 40,000 अंडर राइट करें तो 20% मतलब 10,000 कंपनी सोच रही है वो सेल कराएगी, और अंडर राइटर्स के थ्रू 40,000 सेल कराने के लिए सोच रहे हैं. जो 80% अंडर राइटिंग एग्रीमेंट है वो 4 पार्टनर्स में है, ए बी सी डी में. ए में है 30%, 12,000, बी में 20%, 8,000, 35%, 14,000, 15%, 6,000. तो ये है हमारी ग्रॉस लायबिलिटी ए बी सी डी, और ये टोटल हो गया 40,000. इसमें से मार्क लेस कर देंगे. एप्लीकेशन 30,000 मिली है, जिनमें मार्क है ए की 4,800, बी की 3,000, सी की 5,800 और डी की 2,400. टोटल 4,800, 3,000, 5,800 एंड 2,400. तो टोटल 16,000 मार्क हैं.
3600 बचे। अब एप्लीकेशन जो हमारे पास आई है वो 30,000 आई है, इनमें से मार्क अभी अभी हमने टोटल करके देखी 16,000 है, तो अनमार्क 14,000 हो गई। अनमार्क मतलब जो कंपनी के थ्रू सेल हुई है, और कंपनी ने कितनी सोची थी 10,000। अब 10,000 की बजाय कंपनी ने 14,000 सेल करा दी, तो 4,000 कंपनी का सरप्लस हो गया, एक्स्ट्रा सेल होगी, उसका बेनिफिट मिलेगा इन्हें 4,000 का। ठीक है, दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं आप कि हमारे हिसाब से अभी ये आ रहा है कि इनको कितने शेयर खरीदने चाहिए, 24,000। तो हुआ ये, अब ध्यान से देखो इसे दूसरे तरीके से कैसे हम कह रहे हैं। देखो इशू कितने करे शेयर्स कंपनी ने, टोटल 50,000 है ना, और एप्लीकेशन कितनी आई 30,000। इसका मतलब 20,000 शॉर्ट है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं 20,000 शॉर्ट है तो 24,000 लेंगे एबीसी। अगर 20,000 शॉर्ट है तो 24,000 तो वो नहीं दे ही नहीं सकते आप, 20,000 ही दे सकते हैं। एक तो ये रास्ता, तो आपको पता चला 4,000 का बेनिफिट इन्हें मिलेगा। दूसरा ये कंपनी ने सोचा था 10,000, उन्होंने 14,000 सेल करा दिए, तो 4,000 एक्स्ट्रा सेल करा उनका बेनिफिट इन्हें मिलेगा। हमेशा की तरह से अनमार्क का बेनिफिट इन्हें अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में मिलेगा। ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब 30%, 20%, 35% एंड 15%, तो इस रेशो में मिलेगा। तो 4,000 वही है, 1,200, 800, 1,400 और 600। नेट लाइबिलिटी आ जाएगी 6,000, 4,200, 6,800, 3,000, 20,000 टोटल करके देख लेते हैं, यही आ रहा है, यानी 20,000 ही आ रहा है।